ये अब्दुल रहीम हैं और इनको किडनी फेलियर था, वो किडनी फेलियर था, किडनी फेलियर था और जब शुरू में आए थे तो उस समय इसका क्रिएटिनिन था 10, देखिए कितना था उसमें, क्रिएटिनिन था 11.8, 11.8 था। अच्छा ये बताइए, जिस समय आप आए थे यहाँ पे उस समय आपका क्या स्थिति था? बहुत खराब। वहाँ पर डॉक्टर क्या बोला था आपको? आज से कितना महीने पहले यहाँ आए थे? लगभग हमको यहाँ हो गया 7 महीना हो गया। 7 महीना पहले जब यहाँ आए थे तो उसके पहले जो डॉक्टर को दिखाते थे आप, तो डॉक्टर क्या बोलता था कि क्या होगा, किडनी ठीक होगा कि नहीं होगा? नहीं, डॉक्टर तो सिर्फ बोलता था कि बदलिए किडनी, किडनी बदलिए, किडनी ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। क्या जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस करने का था। अच्छा उस समय आपके शरीर में क्या क्या थी? देह फुला हुआ था? हाँ, पूरा बदन फुला हुआ था, जोर जोर में दर्द था। और लगभग जो है कि हाँ, दम खुलता था, वो सब तो सारा परेशानी हमारा दूर हो गया। अच्छा, अभी जो 7 महीना पहले आए आप और अभी में 7 महीना के बाद, 7 महीना से आपके स्वास्थ्य में किस तरह सुधार आया सो बताइए। बहुत अच्छा सुधार आया, अभी जो है कि पहले से बहुत सुधार हो गया, आ गया, हल्का फुल्का जो है हमारा जोर, हाँ हल्का जोर। अच्छा अच्छा, उसके बाद से आप डायलिसिस करा रहे हैं? एक बार डायलिसिस कराए? नहीं नहीं कराए, कुछ भी नहीं कराए, सिर्फ दवाई जो है। अब एक गरीब आदमी होते हुए अब आपको लगता है कि आपको कभी डायलिसिस कराना पड़ेगा? नहीं, यहाँ तो कभी नहीं कराना होगा। अच्छा, दूसरे किसी पर आश्रित आपको रहना पड़ेगा? जबकि उस एलोपैथिक चिकित्सा में क्या करना पड़ता है? अभी तक जमीन जात सब बिक जाता है कि नहीं बिक जाता? सारा बेच करके भी हम ठीक नहीं होते, ठीक नहीं होते। आप बताइए तो आप इस चिकित्सा के बारे में आपको क्या कैसा लगता है? आप हटाइए मुंह से या कहीं बताइए। देखने में लगता है, अब लगता है आपका कौन है? ये मेरा पति है। अब आपको लगता है पति जिंदा रहेगा? हाँ। पहले कैसा लगता था? पहले क्या बताया था? सब बाल बच्चे हैं कि नहीं बचेगा, कब स्थान देने वाला है? कौन डॉक्टर सब बोलता था? हाँ। पहले डॉक्टर बोलता था कि इलाज किया 15,000 को। तो डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला नहीं होगा, ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक मौस लेगा, दूसरा महीना दिन में अपने लर बढ़ा गया, लर बुआर चला गया, चमके लगा। डॉक्टर क्या बोलता था? पूर्णिया पूर्णिया फिर बोला कि नहीं होगा, जाइए कटिहार, कटिहार गया फिर वहाँ डॉक्टर, फिर वहाँ डॉक्टर बोला नहीं होगा, पटना जाइए। पटना में क्या बोला? पटना नहीं गया लेकर के। अच्छा, लोग क्या बोलता था? कब्रिस्तान ले जाइए। मेरा बस्ती को एक आदमी है नी, वही बोला कि फलना डॉक्टर का फलना गांव में है, जाइए लेकर के। तब यहाँ यहाँ आया 2 बजे तो डॉक्टर उठ गया, तो वहाँ से फिर रोने लगा वहाँ सड़क पे, बाल बच्चे लेकर के गाड़ी पे चार चक्का पे। तेकर बाद यहाँ से दिया कंप्यूटर तो बोला नहीं जाइए, 10 बजे आइए। अच्छा, फिर 10 बजे वहाँ से फिर देखा गया तो 4 बज गया, घर जाने के लिए सामने जो दे दिया तो बाल बच्चा सब रोने लगा, हौड़ी उठ गया कि खत्म हो गया पेशेंट के बाद। हाँ, अब्दुल रहीम भी खत्म हो गया, अब्दुल रहीम खत्म हो गया। हाँ, और सब पूरे परिवार रो रहा है। जब यहाँ से हम गया किसी लेकर के चार चक्के पे तो सब स्थिर हुआ, तब तो स्थिर हुआ। इसके बाद अब धीरे धीरे 7 महीना से आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए? नहीं। अच्छा, अब आपके बारे में क्या बोलता है वहाँ का लोग सब? नहीं, बहुत अच्छा बोलता है। और फिर हम जो है कि जो भी हमको खाएगा नहीं बताएगा डॉक्टर, साल भर भी खाएगा हम खिलाएंगे दवा। अब देखो यही है, ये सब इंटरव्यू जो लिया जा रहा है ये बताने के लिए कि लोग गलतफहमी में मारा जा रहा है। जो बीमारी ठीक हो सकता है उसके बारे में गलत प्रचार हो गया कि ठीक नहीं होगा। नहीं समझे? यदि अभी आप लाइन बाजार के चक्कर में रहते हैं, उस सब डॉक्टर के चक्कर में रहते हैं, आपका अभी तक कब्रिस्तान में सब क्रियाकर्म हो जाता है। नहीं समझे? बाल बच्चा सब तोड़ हो जाता है, सब तोड़ हो जाता है, सब बर्बाद होता है। अभी तो आपका कमा के खा रहा है। बहुत आराम है यहाँ, है कि नहीं? चलो,